जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ तथ्य हैं जो संख्याओं से रिलेटेड, उसको हम आज देखने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने हमारा पिछले का क्लास नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ऐसा कोई देखिए ऐसा क्वेश्चन जैसे बड़े बड़े आपके एग्जामों में नहीं आता, लेकिन छोटे मोटे एग्जामों में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उससे रिलेटेड हम सूत्र भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये प्राकृतिक संख्या। मतलब होता है एक से लेके, है ना, जैसे हम एक लाइन होता है ना, नंबर के लिए एक लाइन होता है, ये ज़ीरो पॉइंट होता है, वहाँ से हम एक दो तीन तीन चार पाँच ऐसा बढ़ते हैं, और इधर माइनस बढ़ते हैं, माइनस दो माइनस तीन ऐसा। तो इस साइड का जो नंबर होगा, ठीक है, लाइन के जो इस साइड का नंबर है जो पॉजिटिव में है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। वो अनंत है, ठीक है, वो हमारी एक प्राकृतिक संख्या है और वो अनंत है। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, वो अनंत है। आप ना इसे लाइन से इसको याद कीजिएगा, ठीक है, इसको आप लाइन से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ऐसे इसको याद करने में। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र, यदि यदि कोई संख्या दी गई तो आपको जोड़ने के लिए आना चाहिए कि वो संख्या क्या चीज़ है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे इसको जोड़ना है, जैसे इसको पाँच तक ही जोड़ना है कि क्या चीज़ है, तो पाँच तक कितना होता है, तो पाँच पाँच चार नौ, नौ और तीन, नौ और तीन आपका बारह, बारह और दो, बारह दो चौदह, चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह आंसर आता है ना। लेकिन ये आप पाँच था तो जोड़ लिए, यदि सौ तक रहेगा तो क्या ऐसे जोड़ते बैठे रहेंगे, नहीं बैठेंगे, इसके लिए एक सूत्र होता है। अब हम सूत्र की चर्चा करते हैं। इसका सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इसका सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका सूत्र है एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, एन मतलब लास्ट अंक, ठीक है, इसका हमने 15 लाया था आंसर, अब इसमें पुट करके देखते हैं तो n कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, और n प्लस वन मतलब सॉरी, तो 5 प्लस वन बाय टू कितना हो गया, 5 इंटू छः इंटू दो। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये होता है, सो पहले इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 पाँच 30 और 30 और दो 15। ठीक है, आंसर आ गया, फिर से बताना है, फिर से देख लीजिए, इसका सूत्र है n n प्लस वन बाय टू, और इतने को हमने पहले जोड़ा था तो 15 आया था, अब इसको फिर से जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा n मतलब लास्ट अंक, है ना, तो ये 5 और ये n है, और ये मैं पूरा पूरा रख के बता रहा हूँ। ठीक है, 5 प्लस वन बाय टू, अब इस 5 को बाहर कर लीजिए, अंदर में क्या है, 5 और एक 6 हो गया और ये 2 हो गया, तो 6 पंचे हो गया आपका 30 बटा 2, ये हो गया आपका 15 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्राकृतिक संख्याओं का योग करने के लिए सूत्र। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, इसका सूत्र है आपका का सूत्र है आपका x x प्लस वन टू एक्स प्लस वन बाय सिक्स, ये है आपका, ये है आपका प्राकृतिक संख्या वर्गों का सूत्र। वर्ग मतलब होता है जैसे एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर प्लस पाँच स्क्वायर, इसका आपको योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैं x लिखा हूँ, x की जगह n ही होगा। ठीक है, ये होते हैं तो यहाँ पुट करके देखते हैं क्या आएगा, तो x की जगह मुझे 5 रखना है तो ये हो गया 5, अब 5 में एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 6, फिर से इंटू है, ये इंटू है 2x मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 1 और ये नीचे में 6। ठीक है, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 गुना 10 एक 11 गुना 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये हो गया 5 और 11 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 55। तो इस प्रकार इसका वर्गों का योग हो जाएगा 55। ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्या के वर्गों को गुणा करने का, योग करने का सूत्र। ठीक है, आगे चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। देखिए
हमने पहले देखा, पहले देखा हमने प्राकृतिक संख्या देखा, अब उसके बाद हम देख रहे हैं घन। तो घनों का के लिए क्या किया जाता है? घनों के लिए कुछ नहीं किया जाता, जो पहले हम बनाए थे ना एन, पहले हम बनाए थे एन एन प्लस वन बाय टू, तो इसी का होल क्यूब कर देना है, इसी का होल क्यूब कर देना है। फिर से मैं छोटा लिखता हूँ, फिर एग्जांपल बताऊँगा। एन एन प्लस वन बाय टू और इसका होल क्यूब, तो ये घन जैसे रहेंगे ना, जैसे एक एक क्यूब प्लस दो क्यूब प्लस तीन क्यूब प्लस फोर क्यूब प्लस फाइव क्यूब, तो इसी का निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ रखेंगे पाँच, फिर ये हो जाएगा पाँच और एक छः, तो ये छः लिख लिए, ये दो और पूरे का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका छः पंचे तीस और ये दो इसका होल क्यूब, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा पंद्रह और पंद्रह का क्यूब, ठीक है। और पंद्रह का क्यूब कितना होता है आपको पता है ना, पाँच में पच्चीस और दो दुनी पच्चीस, ऐसे लिख लीजिए और एक से दो से गुना कर लीजिए, 225 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका रूल सहित व्याख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। अभी हमने प्राकृतिक संख्या देखा है, अब पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या में फिर से एक लाइन बनाते हैं, हमारा लाइन वाला ये लाइन है, ये ज़ीरो है, ये वन टू थ्री प्लस में और इधर माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री। तो ये इतना हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, लेकिन इस प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को मिला लेते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है, याद रहेगा। प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को मिला लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है और वो अनंत तक चलता है, ठीक है। आगे चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या सबको पता है, जो दो से डिवाइड हो जाए, ऐसा संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो दो चार छः आठ, ठीक है, इस प्रकार। अब इसको जोड़ना है तो चलिए हम यहाँ तक पहले इसको जोड़ के देखते हैं सम संख्या को। तो आठ छः चौदह, आठ छः चौदह होता है, और चौदह चौदह और चार अट्ठारह, अट्ठारह दो बीस, ये बीस आंसर आ रहा है। यदि सम संख्या का योग करना है तो उसके लिए भी सूत्र है, ठीक है। सम संख्या का सूत्र होता है एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, ठीक है। तो हमने कितने तक देखा है एन को, आठ तक देखते हैं। ये चार देखेंगे कि आठ देखेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यदि हम इसकी जगह चार ले लेते हैं तो क्या होगा, पाँच चौंपीस, ठीक। हमको एन मतलब पद लेना है ना, पद, ना कि लास्ट अंक लेना। अभी पिछले बार भी पद ही लेते थे कि कितने पद तक है, तो हम इसको पद लेंगे। एन मतलब होता है टर्म, तो चार पद लिए हैं तो चार, तो मैं क्या बताया था, एन एन प्लस वन, तो इसका चार लेंगे। तो ये एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद हुआ ना, चार पद हुआ ना, तो चार इंटू चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच और पाँच चौंक बीस, चलिए ये आंसर आ गया। ये है आपका सूत्र। आगे चलते हैं, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है। किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो है सम संख्या ही होगा, ठीक है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। चलिए अब सम संख्या का वर्ग करते हैं, तो आठ का वर्ग करके देखिए, आठ अट्ठे चौंसठ सम संख्या है। नौ का देखिए विषम है ना, तो नौ ने इक्यासी, देखिए ये विषम इक्यासी आ गया। अब फिर से सम का करके देखते हैं, तो दो दूनी चार, ठीक है। बारह का करते हैं तो वन फोर फोर, ऐसा। तो प्रत्येक सम संख्या को यदि वर्ग करते हैं तो उसका एक सम तो उसका वर्ग एक सम संख्या ही होता है। अब देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या है पता है ना, जो सम संख्या को छोड़कर जो दो से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता, पॉइंट में जाता है, इंटीजर नंबर नहीं आता, मतलब होल नंबर नहीं आता, उसमें कुछ पॉइंट नंबर आ जाते हैं, उसको हम विषम बोलते हैं। अब विषम को भी जोड़ने का एक सूत्र होता है, विषम को जोड़ने का सूत्र होता है आपका एन स्क्वायर। विषम को जोड़ने का एक छोटा सा सूत्र है एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। जैसे और एन मतलब है टर्म है, जैसे इसमें चार टर्म है ना, तो चार टर्म में जोड़ते हैं तो कितना आता है, सात पाँच बारह, बारह और तीन पंद्रह, ठीक है, पंद्रह और एक सोलह। तो कितने टर्म है इसमें, चार टर्म है, तो चार का स्क्वायर, तो चार चौंक सोलह, ये होता है आपका स्क्वायर को जोड़ने का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक विषम का एक वर्ग होता है, एक विषम ही वर्ग होता है। प्रत्येक विषम संख्या का एक वर्ग एक विषम ही होता है, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, नौ एक विषम संख्या है, इसका वर्ग विषम ही होगा। सात एक विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो उनचास ही आएगा,
ठीक है, पाँच एक विषम संख्या है, पाँच का वर्ग करेंगे तो 5 में 25 इसका विषम ही आता है, ठीक है, इस पर आप निकाल सकते हो। उसके बाद है अभाज्य संख्या, वे संख्याएँ जो एक या स्वयं से ही भाग जाती है वो अभाज्य। देखिए विषम संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, लगभग लोग इसको यही समझ लेते हैं, तो विषम संख्या अलग होता है और अभाज्य, लेकिन अधिकतर अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं, ठीक है, केवल एक ही सम संख्या होता है अभाज्य, वो है 2, ठीक है, केवल एक ही। देखिए यदि क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे, पहले अभाज्य संख्या का आप रूल जान लीजिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो अपने आप से भाग होता है और एक से, उसके सिवाय वो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें अभाज्य संख्या 3 है, 3 केवल अपने आप से भाग जाएगा या फिर एक से, देखिए एक से तो सभी संख्याएं भाग जाएंगी, इस 0 को छोड़ इस दुनिया में जितने भी अंक आप लिख लीजिए वो एक से भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और वो यदि कोई संख्या एक से और स्वयं से भाग जा रहा है उसका मतलब वो अभाज्य है, जैसे 17 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य है, लेकिन एक केवल मात्र सम संख्या 2 है जो अभाज्य है, बाकी सम संख्या में कोई भी अभाज्य नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक सम संख्या अभाज्य 2 है, बाकी सारे विषम संख्या हैं जो अभाज्य है, लेकिन सारे विषम संख्या भी अभाज्य नहीं होते। जैसे 15 है, देखिए 15 एक विषम है लेकिन 15 अभाज्य है क्या? नहीं है, क्योंकि 3 से भाग जाता है, ये 15 आपका 5 से भाग जाता है, तो सारे विषम अभाज्य नहीं होते, लेकिन जितने भी अभाज्य होंगे दो दो के छोड़ो सब विषम होंगे, ठीक है। सारे संख्या सारे विषम अभाज्य नहीं होंगे, लेकिन दो के छोड़ के जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो विषम होगा, ठीक है। जैसे विषम संख्या और ले लेते हैं, क्या ले लें, 27, ये विषम संख्या है, जो 27 और 3 से भाग चला जाता है, 9 से भाग चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य संख्या। और देखते हैं भाज्य संख्या, 6, 2, 8, 4, 3, ये किसी किसी न किसी से भाग जाते हैं, ये हो गया आपका भाज्य संख्या, इसमें 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। सहभाज्य संख्या, दो ऐसे संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है जिसको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसका महत्तम समापवर्तक एक होता है इसको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन दो संख्याओं का एक महत्तम समापवर्तक एक होता है उसको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 3 और 5, इसका SCF होता है 1, ये होती है सहअभाज्य संख्याएं। इसका जो गुणनफल होगा, ठीक है, इसका जो गुणनफल होगा ये इन्हीं में से कट सकता है, ये इसकी HCF जो है 1 हो गया, तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिन संख्याओं को पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ये है आपका पी क्यू, ये पी और ये क्यू, यदि इस प्रकार आप लिख सकते हो और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो अब इसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका 0/4, क्योंकि नीचे 0 नहीं रखना है, ऊपर तो 0 रख सकते हैं, ठीक है। 3/5, 3/5, 7/7, 3/5, इस प्रकार ये आपकी अभाज्य संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या है, जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या है, जिसके हम जैसे हम 4 का तो रूट निकाल सकते हैं, इसका रूट 2 होता है, लेकिन हम 2 का नहीं निकाल सकते पूरा पूरा, कुछ पॉइंट में आएगा, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार 5 का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये पॉइंट में आएगा इसका आंसर, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या कहेंगे, तो परिमेय और अपरिमेय को मिला दिए तो वो वास्तविक संख्या बन गया, परिमेय और अपरिमेय को मिला दिए तो वो वास्तविक संख्या बन गया। देखते हैं कैसे क्या होगा वास्तविक संख्या, तो हमने पढ़ा था कि 3/5 एक परिमेय संख्या है ना, प्लस ये जो 2 है वो अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों का जब मिला देते हैं तो ये एक वास्तविक संख्या बन जाती है। जब हम इसका फाउंडेशन कोर्स करेंगे ना तब इसको बहुत डिटेल में करेंगे कि कैसे ये इसको लाइन पे कैसे प्राप्त किया जाए, है ना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लाइन पे प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, और देखें और एक लास्ट है अवास्तविक संख्या, जिसे ग्राफ पर प्राप्त किया सॉरी जो जिसे हम ग्राफ पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, जिसे हम ग्राफ पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे -9, -9, ये -15,
इस प्रकार जो संख्याएं होती है जिसको हम ग्राफ पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम अवास्तविक कहते हैं। इस संख्या के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, अभी ये टारगेट बेस है इसलिए केवल ऊपर ऊपर की बात बताई जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।